उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दलों के साथ ही कई छोटे दल भी बड़ा उलटफेर करने में माहिर है। कुछ ही महीनों में होने वाले चुनाव से पहले प्रदेश की आबोहवा में राजनीतिक चर्चाओं का माहौल देखा जा रहा है। कहते हैं दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, और ये रास्ता कितना कठिन है ये तो सभी राजनीतिक दल अच्छी तरह से जानते हैं। हाल ही में आई सरकारों ने भले ही दिल्ली के रास्ते को आसमान बनाने के लिए एक्सप्रेस वे का निर्माण कर दिया हो, लेकिन रास्ता इससे इतना आसान होने वाला नहीं है। जाहिर है यूपी की राजनीति से निकलकर कई सियासी दलों के धुरंधरों ने प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। यही वजह भी रही कि 2014 में पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने भी प्रदेश की धार्मिक नगरी कही जाने वाली वाराणसी से चुनाव लड़ा और लगातार जनता के दिलों में अपनी एक बेहतर छवि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ बीजेपी मेट टुडे एंड डिसाइडेड दैट श्री नरेंद्र मोदी विल बी आवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन। कहने को तो हमेशा से ही गुजरात मॉडल को प्रमुखता से कई सारी सरकारों ने एक बेहतर मॉडल बताया, लेकिन गुजरात में लगातार कई सालों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे नरेंद्र मोदी को भी बीजेपी ने जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो दिल्ली में बैठे सभी बड़े नेताओं की नजरें यूपी पर आ टिकी और खुद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। प्रयागराज और कौशाम्बी की सीमा से सटे प्रतापगढ़ में एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां अच्छे अच्छे राजनीतिक दलों की ताल आज तक नहीं गली। यहां पर ना कमल खिल सका, न ही साइकिल चली, और तो और हाथी पर सवार होकर भी कोई इस विधानसभा सीट तक नहीं पहुंच सका है। यहां तूती बोलती है और जिसका राज चलता है वो है राजा भैया। जी हां, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने साल 1993 में पहली बार यहां से विधानसभा चुनाव लड़ा था। 1993 से लेकर अब तक 7 बार कुंडा सीट से राजा भैया विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल राजा भैया के अभेद किले कुंडा में आज तक सेंध नहीं लगा सका। यही वजह है कि राजा भैया आज भी यहां से हमेशा जीतते रहे हैं। राजा भैया कुंडा से राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रदेश में सबसे प्रमुख दल और मौजूदा दौर में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से राजा भैया का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा। 2002, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने एक बार भी कुंडा से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। सपा सरकार में राजा भैया मंत्री भी बनाए गए। सपा का उनको हमेशा समर्थन मिलता रहा, लेकिन जग जाहिर है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। यहां तो शतरंज में चली जाने वाली चालों से भी ज्यादा चाल चलने में नेता माहिर होते हैं, और यही वजह रहती है कि राजनीति की वजह से पैदा हुए रिश्ते कभी एक से नहीं रहते। बात करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव की, जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और देश भर में मोदी लहर के बीच समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। ये वो समय था जब बुआ और भतीजी के रिश्ते में अचानक से लोगों ने एक मिठास देखी, लेकिन वहीं बुआ भतीजे को एक मंच पर देखकर राजा भैया ने समाजवादी पार्टी से अपनी नाराजगी दिखाई और यहीं से अखिलेश यादव के साथ राजा भैया के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। राजा भैया और समाजवादी पार्टी के बीच आई कड़वाहट का नतीजा देखने को तब मिला जब 2019 में राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव चाहते थे कि राजा भैया बसपा प्रत्याशी का समर्थन करें, लेकिन राजा भैया ने उनकी बात को नकारते हुए अपने पुराने जख्मों को याद कर बसपा प्रत्याशी की जगह बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया। इसके बाद आरोप लगे कि राजा भैया की बीजेपी से करीबी पड़ गई है। चुनाव में कुछ महीने ही बाकी है, ऐसे में प्रदेश की राजनीति में मुलाकातों का दौर भी शुरू हो चुका है। मुलाकातों के सिलसिले के बीच मौका था सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के 79वें जन्मदिन का, जब उस दिन राजा भैया मुलायम सिंह से नहीं मिल सके, लेकिन जन्मदिन के एक दिन बाद ही राजा भैया मुलायम सिंह यादव से मिलने सीधे उनके आवास पहुंचे।
इसके बाद से ही राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे हैं कि दोनों के बीच की कड़वाहट अब शायद कम हो गई हो। और राजा भैया की इस मुलाकात को लोगों ने सपा के गठबंधन की रणनीति से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। लेकिन लगाए जा रहे इन कयासों को अखिलेश यादव ने पल भर में उस समय दूर कर दिया जब 28 नवंबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी अभियान में जनसभा को संबोधित करने प्रतापगढ़ पहुंचे। जनसभा के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन इसी बीच जब एक पत्रकार ने उनसे सपा सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ उनकी नाराजगी से जुड़ा सवाल पूछा तो अखिलेश यादव का जवाब सुनकर सारी बातें साफ हो गई। अखिलेश यादव ने कहा, कौन है राजा भैया, ये कौन है, मैं नहीं जानता किसी राजा भैया को। इसके बाद मौके पर मौजूद सपा समर्थकों ने अपने अध्यक्ष के समर्थन में तालियां बजाते हुए उनको पूरा समर्थन दिया। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? ये कौन है, कौन है ये? कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो हम जानते हैं। फिलहाल अब जब अखिलेश यादव लगातार कई सारे छोटे दलों को एक साथ लेकर बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से मैदान में उतरना चाह रहे हैं, तो वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे राजा भैया की उनके पिता से हुई मुलाकात के बाद भले ही कई सारे कयास लगाए गए, लेकिन दोनों ही पक्ष से अब तक रिश्तों के बीच हुई कड़वाहट के कम होने के संकेत नहीं मिल सके। इसको और पुख्ता कर दिया अखिलेश यादव के उस बयान ने जब उन्होंने राजा भैया को साफ पहचानने से इनकार कर दिया। ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब चुनाव से पहले कुछ भी कहा जाना मुमकिन नहीं है कि राजा भैया किस पार्टी को पूरी तरह से 2022 में अपना समर्थन देते दिखेंगे। ये खास रिपोर्ट लिखी है आपके लिए हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा ने। देखते रहिए माई भारत न्यूज।